नमस्कार दोस्तों, वेवन विधरियों में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको दिया गया, जो आगामी परीक्षाओं को देखते हुए खासकर पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कुछ भी हो, सभी एग्जाम में लगभग इससे प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो करेंट को लेते हुए यह महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में, निश्चित तौर पे आपको लाभ पहुंचाएगा। सबसे पहला कंटेंट है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रथम बस्टर्ड प्रजनन केंद्र प्रश्न, जो बस्टर्ड प्रजनन केंद्र है वो कहां खोला गया, ये प्रश्न आ सकता है। तो वो खोला गया है राजस्थान में, आपके दिमाग में बनना चाहिए ये, कहां खोला गया है, राजस्थान में। प्रथम बस्टर्ड प्रजनन केंद्र राजस्थान में खोला गया। दूसरा कंटेंट है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा टेरी द्वारा। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। टेरी की स्थापना कब किया गया, टेरी की स्थापना 1974 में किया गया। टेरी का जो मुख्यालय है वो कहां है भारत में, वो नई दिल्ली में है, आपके दिमाग में होना चाहिए। ये थी कुछ बातें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ईटीसी, ईटीसी मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन कमीशन, ठीक है। ये क्या करता है, ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो सुझाव देता है, ये कहने का मतलब एक विशेषज्ञों का एक मंच है जिसमें एक्सपर्ट होते हैं, और किससे रिलेटेड, ऊर्जा और विद्युत से संबंधित एक्सपर्ट होते हैं जो सुझाव देते हैं इन सभी मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए, ठीक है। अगला है, किगाली समझौता किससे संबंधित है, प्रश्न आ सकता है। किगाली समझौता ओजोन से संबंधित है, किससे है, ओजोन संबंधित, कई बार प्रश्न आ चुका है, फिर से आने की इसकी संभावना बिल्कुल है। अगला, मीजेन हाइमर कॉम्प्लेक्स ये क्या है, पूछा जा सकता है। तो मीजेन हाइमर कॉम्प्लेक्स पेयजल में क्लोराइड जैसे खतरनाक तत्वों को निकालने का एक रासायनिक यौगिक है। तो क्या है ये एक रासायनिक यौगिक है, और करता क्या है ये, जो ये क्लोराइड है जो पानी में मिला होता है या कोई भी और भी खतरनाक तत्व तो जिनको निकालने का ये काम करता है, इस रासायनिक यौगिक को कमरे के तापमान पर दो रासायनों को मिश्रित करके संश्लेषित किया जाता है। अगला है, ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट समुद्र तट के साफ सफाई संबंधित है। अब पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट, तो ये समुद्र तट के साफ सफाई संबंधित है, बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लिया जाए, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, क्लियर। थिंक 20 G20 की पहल है, किसकी पहल है, जी ये जो थिंक 20 है ये G20 जो बड़े बड़े जो 20 देशों का जो समूह है उनकी पहल है। इनका उद्देश्य डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, इससे भारत की तरफ से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया शामिल है, मतलब इंडिया की तरफ से कौन शामिल है, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इंडिया को, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया शामिल है। एक रिपोर्ट आई है एडिटोरियल में देखने को मिला था कि आधे से अधिक जो राज्य हैं, राज्य या संघ शासित जो प्रदेश हैं, राज्य या संघ शासित प्रदेश दोनों को ले लीजिए, जो है राज्य और संघ शासित जो प्रदेश हैं आधे से ज्यादा, वहां पर जो मानक रखा गया वनों का 33% वो नहीं है, जो 33% का लक्ष्य रखा गया है वो भी नहीं है, ठीक है, मतलब 33% से कम है। जबकि 1/4, ये जो 1/4 से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक वनावरण प्रदेश हैं। ये थी कुछ छोटी सी जानकारी, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको और ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो। आगामी जितने भी एग्जाम है उन सबको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, इन सभी टॉपिक को आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज वेवन विधरियों को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमारा जो है उत्साहवर्धन हो, और इस वीडियो की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए प्लीज इसे शेयर करना
मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।